Hostel is a place where we make lifelong memories that leave us with all life. On this note, I would like to call hostelers of our school to perform a Nukkad Natak on G20 to be held in India, which convey the message of Vasudev Kutumbakam. नमस्कार, आप सभी को ब्रज राजा हॉस्टल की तरफ से देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ब्रज राजा हॉस्टलर्स आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है आप सभी को G20 से अवगत कराना। तो आइए इस G20 का आनंद लिया जाए। अरे भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, तुम बताओ। बस बढ़िया, बहुत अच्छा मौसम है, चलो चाय पीते। चलो भाई। अरे छोटू, हाँ भैया, दो कप चाय लगाना। अभी लगा दे रहा हूँ भैया। अरे छोटू, जरा टीवी तो चलाना। नमस्कार, मैं आयुष न्यूज़ खबर। भारत को मिली G20 की प्रेसिडेंसी। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्तमान G20 इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपी गई। अरे अरे भाई रुको, वे विज्ञापन जरूर से देखा होगा। सर सर बताइए, आप किन किन को G20 के बारे में पता है? अरे यार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आखिर ये G20 है क्या? पता नहीं यार, मेरा बच्चा भी पूछ रहा था, तुम भी पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, बच्चे के स्कूल से नोटिस आया था, स्कूल में कोई प्रोग्राम है, बस वही बुलाया गया है। हाँ, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, शाम को चलेंगे। चलो फिर शाम को चलते हैं। अब स्कूल में G20 G20 G20। हाँ जी भैया, G20 सुनो भैया, G20 G20 G20। टू जी, थ्री जी, फोर जी, फाइव जी का है जमाना, G20 की बात है भाइयों, हम सभी को है निभाना। अरे भाई, ये G20 क्या चीज है? हमने तो T20 के बारे में सुना है। अरे भाई, अभी भी क्रिकेट में ही घुसे पड़े हो, ये T20 का नहीं G20 का जमाना है। अच्छा, तो इतना बड़ा प्रोग्राम है, थोड़ा हमें ही बताइए आखिर G20 है क्या? हाँ भाई बताते हैं, रुको जरा सबर करो, G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। माफ करिएगा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ा अच्छे से समझाइए। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है। अच्छा, तो इसमें होता क्या है? G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है, जिसमें दुनिया भर के मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू पर चर्चा होती है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा आखिर G20 को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है।
मैं बताता हूँ, G20 का मेन मोटिव है वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंब अर्थात एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। इस समूह का मुख्य रूप से काम है ग्लोबल इकोनॉमिक्स, आर्थिक सहयोग और क्लाइमेट चेंज पर काम करना। आगे का हम बताते हैं जी, G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है जिसमें दुनिया भर के मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू पर चर्चा होती है, जिससे आगे आने में कोई ऐसी आपदा न हो जो पहले कभी हुआ था। अच्छा, ये सब तो ठीक है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा क्या हमें इन्विटेशन रहेगा, क्या हमें भी खाने पे बुलाएंगे? अरे नहीं नहीं मेरे प्यारे बुक्कर दोस्त, इसमें केवल राष्ट्र के प्रतिनिधि ही रहेंगे। तो कितने प्रतिनिधि रहेंगे इसमें? G20 के मेंबर टोटल 20 हैं, जिसमें 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन है। कौन कौन से देश है जरा इस पे भी दृष्टि डालिए महात्मा जी। हाँ हाँ बताते हैं, जैसे टर्की, साउथ कोरिया, मैक्सिको, यूके, यूएसए, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना और यूरोपियन यूनियन है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई आ रहा है क्या? हाँ हाँ भाई, कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं। तो कौन गेस्ट आ रहे हैं? अरे मेरे भाई, गेस्ट नहीं मजा, हमारे देश के कुछ गेस्ट कंट्री G20 में ऐसे गेस्ट भी आ रहे हैं जो कि पार्टिसिपेशन कंट्री से अलग हैं। तो कौन कौन से मेहमान देश हैं? मैं बता रहा हूँ, गेस्ट कंट्री है बांग्लादेश, स्पेन जैसे 10 देश आ रहे हैं। क्या और भी कोई आ रहा है? इंडिया G20 में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी आ रही हैं, जैसे UN, IMF और इस साल इंडिया G20 प्रेसिडेंसी में एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट और भी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं। अच्छा, अब मुझे G20 के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। भारत का इस वर्ष G20 का प्रतिनिधित्व करना कोई आम बात नहीं है, ये भारत की शक्ति का चिन्ह है जो दर्शाता है कि भारत अब किसी राष्ट्र से कम नहीं। भारत वैश्विक शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो आइए इस G20 के गौरवित क्षणों को सम्मान से मनाते हैं। सभी लोग एक साथ हाथ उठाकर बोलेंगे जय।